सभी किसान थोड़े थोड़े बीज देंगे तो उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे पास काफी बीज जमा हो जाएंगे। और हाँ, हम भी तुम्हें खेती के लिए औजार और बीज देने में मदद करेंगे। और अगली बार जब बीज लोगे तो उसमें से कुछ और किसी जरूरतमंद को दान कर देना। मैं क्या कहूं सर, बस इतना समझ लेना कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहेंगे, लेकिन जब हम एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब लोगों में एकता हो तो हर मुश्किल आसानी से पार हो जाती है। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो ये आपका चमत्कार है ना साईं। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। राम जी भला करे। बहुत बहुत आभार। लोग तुम्हें चंदा मामा कहकर पुकारते हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो तुमने भाई की कमी को पूरा किया है। इस साल भी मेरे राखी को स्वीकार करना। शिकायत हमेशा रहेगी तुमसे, मुझसे बात नहीं करते हो तुम, दुखी होने पर धीरज नहीं देते हो तुम, मेरे साथ
खिलखिला के हंसते भी तो नहीं हो तुम। हो गया साई, खाना लगा दो। अभी नहीं केशव। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या नजर आ रहा है? सात रेखाएं? ये सिर्फ रेखाएं नहीं है केशव, सफर है, बड़ा लंबा सफर, और ये सफर तय करके ही मंजिल तक पहुंचना है। मैं समझा नहीं सही। साई साई साई, आपने जो दिए मंगाए थे वो मैं लेकर आया हूं। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। साई ओम साई ओम। ये क्या चंद्रा, तुमने फिर से आज एक ही थाली लगाई है।
मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। अब बस भी करो चंद्रा, तुम हर रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन इसी तरह से दुखी हो जाती हो। इस तरह खाना न खाने से तकदीर तो नहीं बदलेगी ना? जानती हूं कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन ये दिन दिल के जख्म और भी ताजा करता है। आसपास के सभी औरतों के घर उनके भाई आते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं, उनके घरों से चहल पहल हंसी मजाक की आवाजें आती हैं, पर यहां हमेशा सूनापन ही रहता है। कैसी अभागी औरत हूं मैं, ना बहन होने का सुख मिला ना आई होने का सौभाग्य। किसी को भी जीवन में सारे सुख नहीं मिलते हैं, कुछ खुशियां नसीब में होती हैं तो कुछ दुख भी भोगने होंगे। हम दोनों को एक दूसरे के रूप में अच्छा जीवन साथी मिला है और भगवान की कृपा से हमें कोई आर्थिक परेशानियां भी नहीं है। जो नहीं है उसके बारे में दुखी होने से बेहतर है कि जो है उसके लिए हम विट्ठल भगवान का आभार प्रकट करें और खुश रहें। और अब ये पहला निवाला तुम खाओ। ये लो खा लो।
करनी है।